हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सबके साथ सब बहुत बढ़िया होंगे बहुत मजे में होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला आज की क्लास के अंदर हम लोग कौन सेक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं दिस इज द मोस्ट फियर टॉपिक बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है इस टॉपिक के अंदर याद करने को तो बेसिकली अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपके सामने है ना चलता फिरता शॉर्ट नोट्स घूम रहा होगा अभी ठीक है मतलब बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक

सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे कि कूनिक सेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है सो कूनिक कोनिक सेक्शन और कूनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज इन कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन

कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन जिसको मैंने पी एम बोला है ना डिस्टेंस अगर लाइन से बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड एस पी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट तो डिस्टेंस ऑफ दिस मूविंग पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन एंड फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज कॉन्स्टेंट मतलब एस पी बाई पी एम एस पी बाई पी एम एक कॉन्स्टेंट के इक्वल होता है तो जो P है द द लोकस ऑफ P, पाथ एक्सेंट्रिस पी एम इज अ कॉन्स्टेंट एंड दैट कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई दैट इज एक्सेंट्रिसिटी अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है उसके ऊपर गौर फरमा लिया जाए कि द फिक्स पॉइंट एस इज कॉल्ड एज द फोकस द फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ओके

Focus से पास कर रही है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है है, है. है? है, है है ना? ये पैराबोला हमारे सामने है कोनिक तो ये कोनिक जहां पे एक्सिस को मीट कर रहा है ये इसकी एक्सिस हो गई एक्सिस को जहां पे मीट करेगा दैट पॉइंट इज नोन एज दर्टेक्स इसी पॉइंट को अपन वर्टेक्स के नाम से जानते हैं ओके okay. ऐसी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो द डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस इज कॉल्ड रेक्टम ये थोड़ी स्पेशल टाइप की डबल ऑर्डिनेट होगी जो कि फोकस से भी पास कर रही हो है ना तो फोकस से पास करती हुई

अब अगर हमें किसी भी कोनिक की इक्वेशन निकालनी हो तो सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है अगर मुझे डायरेक्ट्रिक्स प्रोवाइड कर दे मतलब वो फिक्स लाइन प्रोवाइड कर दे फोकस प्रोवाइड कर दे है ना फोकस इज दैट फिक्स पॉइंट तो डायरेक्ट्रिक्स फोकस एंड द रेशियो कि किस रेशियो में ये मूव कर रहा है एस पी बाई पी का रेशियो क्या है मतलब एक्सेंट्रिसिटी बता दे ये तीन चीजें अगर मुझे बता दी जाए तो इक्वेशन ऑफ कोनिक लिखना इज नॉट अ बिग डील सिंपली अपन ये लिख देंगे कि भाई एस पी बाई पी बराबर ई किया, किया, तो पी ए बराबर ए डिस्टेंस का फॉर्मुला हमें आता है डिस्टेंस फॉर्मूला तो एस पी स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं एक मूविंग पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस अपन लोग इजीली लिख सकते हैं जैसे अगर मैं पी लिखना चाहूं बेटा तो पी क्या होने वाला है मॉड्यूलस ऑफ अपॉन अंडर रूट ऑफ ठीक है मॉड्यूलर ऑफ वॉट कि अगर मेरे को पॉइंट पी की डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से तो इस पॉइंट पी को इस लाइन की इक्वेशन में रखूंगा मतलब ये ए एच प्लस के प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वायर है ना अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये पी आ जाएगा तो एक पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालनी आती है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी आती है मतलब एस पता है पी पता है तो हम इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं कोनिक की ठीक है तो इक्वेशन हमने इस तरीके से जनरेट कर दी दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कोनिक तो एक टू डिग्री इक्वेशन मिल रही है हमको एक्स एंड वाई के टर्म्स में राइट इसको फैलाएंगे तो एक टू डिग्री की इक्वेशन मिलेगी हमें एक्स एंड वाई के टर्म्स में दैट इज जनरल डिग्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एंड ठीक है सो ऑन टेक्स दिस फॉर्मेट तो एक जनरल टू डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिलती है वही हमारे सामने कूनिक की इक्वेशन है तो अगर हमारे सामने इक्वेशन गिवन हो कि देखो इक्वेशन अपने सामने प्रोवाइड कर दी है और इक्वेशन देख के कमेंट करना हो कि ये कौन सा वाला कोनिक है तो कैसे कमेंट करेंगे ठीक है, इज अ जनरल टू डिग्री इक्वेशन ए एक्स पे डेल्टा अगर डेल्टा हो जीरो हो जाए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये equation आपने first time pair of straight line में देखी होगी है ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करेगा जब डेल्टा की वैल्यू जीरो है डेल्टा क्या होता है दिस इज द डिटर्मिनेट ऑफ एबीसी हम लोग डायग्नल में लिखेंगे और ये देखो सिमेट्रिक सा डिटर्मिनेंट है कि देखो यहां पर भी एच इधर भी एच ओके okay. तो एबीसी समझते हैं एबीसी क्या है ए इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्ट ऑफ वाई स्क्वायर एंड सी इज द कॉन्स्टेंट टर्म जो कि डायग्नल में आएगा एच क्या होने वाला है एच इज हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई टू एच कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई है एच हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई का आधा जी हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स का आधा एंड एफ हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ वाई का आधा तो इक्वेशन देख के ये सारी वैल्यूज हम लोग लिख लेंगे और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे अगर डेल्टा जीरो आ जाता है बेटा अगर डेल्टा जीरो आ जाता है तब तो हमें ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा है ना पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो डेल्टा जीरो और यहां पे भी तीन केसेस बन जाते हैं कि अगर एच स्क्वायर ग्रेटर तो टू डिस्टिंग पेयर ऑफ लाइंस की डेल्टा जीरो आ गया फिर अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है तो टू डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया ठीक है तो कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट ऑफ स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा है ना पेर ऑफ लाइन्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें पड़ी है पेयर ऑफ लाइन में है ना चैप्टर्स में स्ट्रेट लाइन में फिर अगर ए ए स्क्वायर स्क्वायर लेस लेस देन देन बी बी है e है तो इमेजनरी पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो इमेजनरी पेयर ऑफ लाइन्स ही बेसिकली अ पॉइंट कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली है ना इमेजिनरी ऑफ लाइंस तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तो ये केस हो हो गया कि डेल्टा जाए एंड स्क्वायर की होगा तो हो पूरी इक्वेशन है ना जनरल टू डिग्री इक्वेशन सिंपली रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट एन एलिप्स अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो है तो पैराबोला। अगर एच स्क्स ए बी ग्रेटर दैन जीरो है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा बच्चा पार्टी फॉर सर्कल सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू सेम होनी चाहिए ए बराबर बी होना चाहिए ठीक है

पॉइंट uh, कब रिप्रेजेंट कर रहा होता है ये जो स्ट्रेट है ना ये जो इक्वेशन है जनरल टू डिग्री इक्वेशन दिस विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इफ इट इज इधर इमेजरी पेयर ऑफ लाइंस इमेजरी पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन क्या है कि डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाए एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो

राइटवर्ड लेफ्टवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड तो अगर पैराबोला राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड है है ना जैसे ये देखो ये राइट वर्ड पेरा है तो वो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई होने वाला है ना वाई के टर्म्स में हमको क्वाड्रेटिक दिखाई देगा जनरल इक्वेशन इसकी हो गई वाई स्क्वायर ठीक है ये जीरो से पास कर रहा है इसकी जो है, 0, 0, वर्ड है दैट इज बेसिकली जीरो कॉमा जीरो है यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो है ओके फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बारे में बता दूं कि वर्टेक्स से ए डिस्टेंस है ना राइट right में यहां पे फोकस मिलेगा ए डिस्टेंस लेफ्ट में यहां पे डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाली है एंड डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है ना डायरेक्ट्रिक्स क्या हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है तो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स एंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज एक्स बराबर माइनस है

बताया था जब भी क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ वाई है तो या तो अपने राइट वर्ड right या फिर अपने को पैराबोला पैराबोला हमें मिलेगा फिर से से वही बात है कि वर्टेक्स डिस्टेंस जिस तरफ का मुंह है उसी तरफ ए डिस्टेंस जाओगे तो अपने को फोकस मिल जाएगा तो फोकस का कॉर्डिनेट हो गया माइनस ए और ए डिस्टेंस उल्टी डायरेक्शन में चले जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस में हो गई एक्स बराबर सिंपल है फिर अगर एक्सक्वायर बराबर फोर ए वाई है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा और अगर एक्सक्वायर बराबर माइनस फोर ए वाई है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा ओके वर्टेक्स इसकी अभी भी ओरिजिन ही है ओरिजिन से पास करता हुआ पैराबोला है ए डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो हमें फोकस मिल जाएगा ए डिस्टेंस नीचे जाओगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी एंड फोर ए इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट एक्टम वही बात है एक्सक्वायर बराबर माइनस फोर वाई है डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा ए डिस्टेंस नीचे जाओगे तो हमें फोकस मिलेगा ए डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी तो ये सिंपल सी बातें हैं अब देखो हो सकता है सेंटर ये भी देखो स्टैंडर्ड ही है है ना ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला ही है क्योंकि इसकी भी एक्सेस हॉरिजॉन्टल ही है बट फर्क बस इतना सा हो गया इस वाले पैराबोला में एंड वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स में बस इतना सा ही डिफरेंस है कि ये जीरो कॉमा जीरो पे इसकी वर्टेक्स है और इसकी वर्टेक्स हो जाएगी एच कॉमा के एक्स कॉर्डिनेट एच वाई कोऑर्डिनेट के तो देखो एच कॉमा के पे अपने को वर्टेक्स दिखाई दे रही है यहां पे फिर बातें वही सेम है कि ए डिस्टेंस इस साइड जाओगे तो फोकस मिलेगा ए डिस्टेंस इस साइड जाओगे तो हमको डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाली है तो ए डिस्टेंस इस साइड जाएंगे पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे हैं मतलब यहां पे जो फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एच प्लस ए वाई कोर्डिनेट के सेम ही रहेगा क्योंकि हॉरिजोटल लाइन पे वाई कॉर्डिनेट सेम रहता है तो वाई इस पूरी लाइन पे के ही रहने वाला है ए डिस्टेंस पीछे जाओगे तो यहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा दैट विल बी एच माइनस ए देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट एच है डिस्टेंस पीछे गए तो एच माइनस ए यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि वर्टिकल लाइन है एक्स बराबर कॉन्स्टेंट एक्स बराबर एच माइनस ए दट विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ओके okay, सेम वही बातें हैं कि वाई स्क्वायर बराबर फोर से कंपेयर करेंगे कि तो हमें फोकस मिलेगा ए डिस्टेंस इस साइड जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स बराबर कॉन्स्टेंट के रूप में देखने को मिल रही है, है ना? Course, मिलेगी भी क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो एक्स बराबर कॉन्स्टेंट ओके okay. वही बात है इसके लिए है कि एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई से कंपेयर करोगे इसका जो वर्टेक्स है वो एच कॉमा के हो जाएगा ए डिस्टेंस ऊपर गया तो अपने को फोकस मिल गया ए डिस्टेंस नीचे जाओगे तो अपने को डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी ठीक है तो वही सेम बात है ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा है ना एच कॉमा के पे वर्टेक्स ए डिस्टेंस नीचे जाओगे तो फोकस ए डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वाई बराबर कॉन्स्टेंट के टर्म्स में होगी यहाँ पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट है ना ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है यहां पे तो y बराबर कांस्टेंट और वो कांस्टेंट क्या होगा देखो ये वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट k है a डिस्टेंस ऊपर जाओगे तो वर, तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यहाँ पे k प्लस ए तो y बराबर के प्लस ए दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स है ना देखो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट k है a डिस्टेंस ऊपर गए तो यहां पे y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस ए y y बराबर constant, y बराबर प्लस ए इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ठीक है यहां पे भी ये y बराबर के माइनस है बेटा ठीक है y बराबर के माइनस है है ना चलिए तो ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज के बारे में बातें वही दो बातें मैंने जो बताई थी हॉरिजॉन्टल पैराबोला की इक्वेशन जो होगी है ना वो y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगी और अगर वर्टिकल पैराबोला है है ना मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला है तो वो x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको तो बहुत ज्यादा डील किया भी है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके बारे में बहुत सारी बातें हमने निकाली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसकी वर्ट एक्स के बारे में सीखा है हमने ठीक है अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है डिपेंडिंग अपॉन दी कोफिट ऑफ एक्स स्क्वायर की कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है ना इसके बारे में बहुत बातें हमने चर्चा करी है और अगर y के टर्म्स में क्वाड्रेटिक हुई तो या तो राइट right वर्ड या लेफ्ट वर्ड पैराबोला हमारे सामने दिखने वाला है ओके okay. फिर आगे बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि वाई स्क्वायर पे मैं एक्स कोऑर्डिनेट ले लूंगा ए टी कोऑर्डिनेट क्या लिया जाएगा ए लिया जाएगा ताकि ये बन जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर कि फोर ए बन रहा है

यहां यहां पे पे देखेंगे पे अब मैं x को एज्यूम करूंगा एच प्लस जैसे ही मैं इसको देखूंगा x को एज्यूम करने वाला हूं h प्लस एटी स्क्वायर ताकि अब ये राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा k प्लस टू एटी तो h प्लस एटी स्क्वायर कॉमा के प्लस टू एटी इधर देखेंगे यहां पे y कोऑर्डिनेट को मैं एज्यूम करूंगा प्लस एटी स्क्वायर है ना y की जगह k प्लस एटी स्क्वायर रखोगे तो ये राइट right एक परफेक्ट स्क्वायर बन गई और x की वैल्यू आएगी h प्लस टू है ना तो h प्लस टू एटी कौम के प्लस एटी स्क्वायर दिस इज हाउ यू एज्यूम एनी पॉइंट इन द पैराेट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला पैराबोला इफ इज ग्रेटर देन को की इक्वेशन में रखा और कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई देन पॉइंट लाइज आउटसाइड पैराबोला इफ एस वन इक्वल टू जीरो है ना पॉइंट को पैराबोला के इक्वेशन में रखा अगर जीरो के ही इक्वल आ गया तो पॉइंट इज ऑन पैराबोला इफ एस वन इज लेस देन जीरो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो पॉइंट लाइज इन साइड पैराबोला ठीक है अब लाइन और पैराबोला के बारे में बात करते हैं मतलब टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या हो गई तो कोई भी लाइन अगर किसी कर्व के लिए टेंजेंट है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पहले तो डिराइव करने का फंडामेंटल मेथड समझना क्योंकि ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी भूल गए तो ये मेथड तो हमेशा साथ रहने वाला है ही तुम्हारे ये मेथड क्या बोलता है कि आप लाइन और पैराबोला को सॉल्व कर लो है ना सॉल्व करने का मतलब समझते हो कि भैया यहाँ से X की वैल्यू उठा के जो है इक्वेशन ऑफ वो क्वाड्रेटिक बनाओगे उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दोगे तो वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करने का मतलब कि भैया इन दोनों का एक ही सॉल्यूशन है

देखो अगर मैंने स्लोप एम दे दी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन लिख सकते हैं y बराबर Mx प्लस C. है बेटा स्लोप गिवन है, लिख सकते है y Mx प्लस C. इस लाइन को और इस कर्व को हमने सॉल्व किया सॉल्व कैसे करोगे या तो एक्स की वैल्यू इधर उठाओ इधर पुट कर दो है ना एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई फोर एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई फोर पुट कर देना तो वाई के टर्म्स में बन गई उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर दोगे जब उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो करोगे तो सी की वैल्यू आएगी ए बाई एम है ना सी की वैल्यू जैसे ही ए बाई एम आई हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म ऑनरा बोला इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम ओके okay, क्लियर है ध्यान रखना ये इसके लिए है ये एक्सक्वायर बराबर फोर ए वाई के लिए नहीं है ये वाई स्क्वायर बराबर, फूरे के लिए है। बराबर फूरे पे निकालना हो तो सेम यही प्रोसेस अपनाना कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन ऑफ लाइन मान ली और इस सी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू तो जीरो अगर पॉइंट फॉर्म में हमें निकालना है बेटा तो पॉइंट अगर एक्स वन को वाई वन दे रखा है तो टी बराबर जीरो सिंपली हम लोग अप्लाई कर देंगे टी बराबर जीरो करने का मतलब हुआ कि वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई वाई वन से है ना y square को replace y को को करेंगे करेंगे y1 से और x replace x जीरो लिखना आता होगा एक्स स्क्वायर को x x1 से रिप्लेस कर रहे होते हैं है ना वाई स्क्वायर को y y1 से x वाली टर्म को x प्लस एक्स वन बाई टू वाई वाली टर्म को y प्लस वाई वन बाई टू कॉन्स्टेंट को एज इट इज रखते हैं

पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट एज़्यूम कर लीजिए ठीक है तो स्क्वायर बराबर y2 4ax है बेटा पैरा बोला, इसके ऊपर टेंजेंट चाहिए तो y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 4a टाइम्स x को रिप्लेस करेंगे x x1 होल डिवाइड बाय 2 ओके ये 2 2 जा 4 हो जाएगा अब y1 की जगह पे रख दो 280 है ना y कोऑर्डिनेट 280 तो y1 की जगह पे 280 रखेंगे एक्स वन की जगह पे एटी स्क्वायर रखेंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन आती है टीवाई बराबर X plus तो इस को डिराइव करना भी बहुत इजी है प्लस ये बहुत इक्वेशन है दिस इक्वेशन टी वाई बराबर एक्स प्लस एटी स्क्वायर टी वाई बराबर एक्स प्लस एटी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन दैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है, है।, है जहां पे पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया 80 स्क्वायर कॉमा 280 अगर वहीं पे हमें ठीक है अ x स्क्वायर बराबर 4a y पे निकालना हो बेटा ठीक है y स्क्वायर बराबर एक्स के लिए हमने देख लिया है इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4a y तो पैरामेट्रिक फॉर्म की खासियत यही है कि आप देखो y स्क्वायर बराबर 4ax पे जानते हो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज

वन बाई टी एक्स प्लस ए टी तो ये जो वन बाई टी हो गया तो दिस इज द स्लोप तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द दैरामेट्रिक पॉइंट टी है ना नी स्वायर को हमारा टू एटी पॉइंट है तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है वन बाई टी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिश्ता आता है एम और टी के टर्म्स में कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू वन बाई टी ठीक है ये चीज ध्यान रखे क्योंकि यहीं से ही हम आगे जाके नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे होंगे कि अगर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बेटा ठीक है तो मुझे पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर वन बाई टी है, की स्लोप वन बाई टी है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस टी क्योंकि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स उनकी माइनस वन होने वाली है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वन बाई टी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा माइनस टी स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस टी पॉइंट इज एटी स्क्वायर कॉमा टू एटी तो पॉइंट पता है स्लोप पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हम यहां से निकाल लेंगे कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन इसी तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन आगे जाके हम डिराइव कर रहे होंगे ठीक है तो वही बातें हैं कि पैरामेट्रिक टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई कैन बी ऑप्टेन बाई इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई इन करेस्पॉन्डिंग फॉर्मुला फॉर वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स इट डज नॉट हैपन इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना स्लो फॉर्म में ये नहीं होता है इक्वेशन मिल जाएगी सिर्फ सिंपली एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो ठीक सेम नॉर्मल के लिए भी हो रहा होता है कि अगर नॉर्मल की इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स पे पता है इन पैरामेट्रिक फॉर्म टी के फॉर्मेट में तो अपन है ना एक्सक्वाई पे भी निकाल सकते हैं जस्ट बाई ठीक कॉमा टू एटी दूसरा पॉइंट हो गया ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू एटी इन दोनों पॉइंट के ऊपर ये जो टेंजेंट मीट करेगी ना द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट इज ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू डेरिवेशन इसका बहुत सिंपल है क्योंकि इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन हमको पता है कि t1y बराबर x plus a t1 square, ty बराबर x plus a t square वही पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट मैंने लगाया है इसके ऊपर भी टेंजेंट की इक्वेशन पता है कि t2y बराबर x plus a t2 square दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए इट्स डायरेक्ट्रिक्स है ना डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट जहां से हम परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉप कर पा रहे होते हैं तो अगर एक पेराबोला है ठीक है ना? तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होने वाली है दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला और डायरेक्ट्रिक्स से आप कोई भी ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है है ना आर म्यूचुअली ठीक तो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल है ना डायरेक्टर सर्कल है या फिर ऐसे ध्यान रखेंगे कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट दी डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर है तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे पक्का पक्का मीट कर रही होगी इस चीज का ध्यान रखा जाएगा ओके बेटा डिराइव करने की बात आई तो डिराइव भी अपन इजीली कर सकते हैं कि यहां पे पॉइंट टी वन माना ये पॉइंट टी टू हो गया ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन ए स्क्वायर कॉमा टू ए टी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा ए टी वन टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट द पॉइंट टी एंड टी अगर ये टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप माइनस वन होगा और इसकी स्लोप कितनी है इसकी स्लोप हो जाएगी वन बाई टी वन और इस लाइन की स्लोप हो गई वन बाई टी टू अभी अभी देखा था स्लोप और टी के टर्म्स में रिश्ता तो एम वन एम टू एम वन एम टू बराबर माइनस वन एम वन आ गया वन बाई टी वन एम टू आ गया वन बाई टी टू बराबर माइनस वन मतलब यहाँ पे टी वन टी टू की वैल्यू भी किसके इक्वल आ रही है माइनस वन के इक्वल आ रही है डेरिवेशन भी देखना बहुत अच्छा है प्यारा है और इंपॉर्टेंट है ठीक है तो टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन आई और जैसे टी वन टी टू की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन रखी तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया माइनस ए आ गया डायरेक्ट्रिक्स एक्स को ऑर्डिनेट माइनस ए आ गया तो एक्स बराबर माइनस ए ही क्या है डायरेक्ट्रिक्स है तो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मीट एट डायरेक्ट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ पैराबोला फोकल डिस्टेंस के बारे में बात करी जाएगी जब भी हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो फोकस से तो अपन क्या करेंगे फोकस से डिस्टेंस निकालने की बजाय जैसे ये पॉइंट पी हो गया इसकी डिस्टेंस अगर मुझे फोकस से निकालनी है तो इसकी बजाय मैं क्या करूंगा इसकी डिस्टेंस में डायरेक्ट्रिक से निकाल लूंगा वो ज्यादा ईजी रहेगी क्योंकि एस पी एंड पी एम तो इक्वल होता है ना पैराबोला के लिए एक्सेंट्रिसिटी वन होती है एसपी बाई पी एम बराबर ई e, ऐसे ही तो सारे कोनिक की हमने है ना इक्वेशन डिराइव करी थी तो ई e की वैल्यू अगर मैं वन रखता हूं तो एसपी और पी एम आपस में क्या आ जाता है बच्चा लोग इक्वल आ जाता है तो इस डिस्टेंस की बजाय ये डिस्टेंस निकालूंगा ये डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है कि यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स वन यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस ए क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर माइनस है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देख लो बेटा इधर है x1 x कोऑर्डिनेट कॉर्डिनेट यहां है माइनस ए तो x1 माइनस माइनस ए मतलब हो, तो x का देख लो कि कितना राइट right में गए हैं अपन यहां पे x कोऑर्डिनेट x1 है यहां पे x कोऑर्डिनेट माइनस ए है इनका डिफरेंस हो गया x1 वन माइनस माइनस ए मतलब एक्स वन है ना x1 प्लस ए प्लस एक्स वन

अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या-क्या है वो भी अपन देखेंगे तो कुछ रिजल्ट है फोकल कॉर्ड के रिलेटेड फोकल कॉर्ड के रिलेटेड पहला रिजल्ट है कि अगर फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स t1 एंड t2 है तो t1 t2 बराबर -1 हो जाता है है ना इफ t1 एंड t2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ठीक है तो एक पॉइंट लिया a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं a

टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन है अगर टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन है तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन है तो यहाँ पे टेंजेंट्स करूंगा, तो टेंजेंट्स ड्रॉप तो आपस में क्या होने वाली है परपेंडिकुलर होने वाली है ए है टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू है ना यही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स हो गया टी वन एन टी टू जो टेंजेंट ड्रॉप है अगर टी वन टी टू की वैल्यू माइनस वन आ रही है की वैल्यू आ रही है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए हो गया और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए हो गया मतलब ये कहां पे मीट कर रही है डायरेक्ट्रिक्स पे मीट कर रही है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ही होने वाली है ओके okay, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स बराबर माइनस ए है तो दीज टू टेंजेंट्स है ना टेंजेंट्स एट दी एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड टेंजेंट्स एट एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर हैंस इंटरसेक्ट ऑन डायरेक्ट्रिक्स ये बातें थी ठीक है लेंथ ऑफ़ फोकल कॉर्ड ऑफ वाई स्क्वायर बराबर के लिए रिजल्ट है इफ ए बी इज द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला देन वन बाई एस ए प्लस टू वन बाई ए अगर ये हमारे सामने फोकल कॉर्ड आती है ये हो गया एस दिस इज द पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी वेर एस इज द फोकस है ना तो वन बाई एस ए प्लस वन बाई एस बी वन बाई ए के इक्वल एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इजी भी है प्रूव करना ठीक है ऐसे जान सकते हो ऐसे हो गया फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है है ना फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट है विच इज ए प्लस ए टी वन स्क्वायर ये हो जाएगा ना

नाउ अब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालने वाले आपको पता है कैसे निकालनी है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट वन बाई टी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बेटा है ना स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर माइनस टी ठीक है

टू ए टी प्लस ए टी क्यूब दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द पैरामेट्रिक फॉर्म है ना नॉर्मल की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ध्यान रखें और किसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स के लिए है और अगर आपसे एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई के लिए काम पड़ जाए तो क्या करना है सिंपली एक्स एंड वाई को इंटरचेंज कर देना है एक्स एंड वाई को इंटरचेंज करोगे तो एक्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द किसके इक्वल हो गया माइनस एम के इक्वल हो गया तो सिंपली अगर मैं टी को रिप्लेस कर दू माइनस एम से तो इक्वेशन आ जाएगी देखो वाई बराबर एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन द स्लोप फॉर्मेट ऑन दैराबोला ठीक है ध्यान रखिएगा है ना बेटा अब किसी भी पॉइंट से मैक्स टू मैक्स अपन तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहां से कुछ बातें अपन निकालते हैं कि भैया मैक्स टू मैक्स तीन नॉर्मल ड्रॉ किया जा सकता है क्योंकि यहां पे क्यूबिक है एम के टर्म्स में अगर मैं पॉइंट दे दूं कि भैया थ्री कॉमर टू से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं तो एक्स की जगह पे थ्री वाई की जगह पे टू रखो एम के टर्म्स में एक क्यूबिक बन रही है उस क्यूबिक के नंबर ऑफ रूट देख लो है ना क्यूबिक के मैक्स टू मैक्स तीन रूट्स आ सकते हैं तो तीन नॉर्मल मैक्स टू मैक्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉइंट से पैराबोला के ऊपर ठीक है फिर नॉर्मल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है वो अपन देखेंगे है ना सम ऑफ स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स वो सारी चीजें भी आ रही की। देखो सम ऑफ स्लोप्स हमेशा जीरो होगी अगर अपन तीन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं ना तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू जीरो आने वाली है एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी क्यों जीरो आएगी देखो क्यूबिक है ना एम के टर्म्स में और यहाँ पे एम स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है।, है ना क्यूबिक के अंदर सम ऑफ रूट्स होते हैं माइनस बी बाई है

ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन ये कोई पॉइंट है और ये पैराबोला को कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है टी टू पे है ना ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू ठीक है तो T2 की वैल्यू आती है नेगेटिव ऑफ T1 वन प्लस टू बाई टी प्रूव करना बहुत सिंपल है क्योंकि देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी के इक्वल आएगा कि अगर T1 पे नॉर्मल ड्रॉ किया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर माइनस टी है ना अभी अभी अपन ने देखा था Slope और टी के बीच में रिश्ता कि कि पे किया है तो बराबर अपन निकाल सकते हैं कि point A, point B को करने वाली जो होगी उसकी slope हो जाएगी y2 minus y1 upon x2 minus x1. इस तरह के से स्लोप ऑफ दिस लाइन निकालेंगे उसको माइनस टी वन के इक्वेट करेंगे तो ये रिश्ता आता है टी टू बराबर माइनस टी वन प्लस टू बाई टी वन फिर देखो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि हमने ठीक है इफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट टी वन एंड टी टू इंटरसेक्ट ऑन दैराबोला एट टी थ्री है टी वन पे भी नॉर्मल ड्रॉ किया है टी टू पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया है दो पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ना यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और एक और पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ठीक है ये पॉइंट हो गया T1, ये पॉइंट हो गया T2, और ये नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहा है एट दी पोरा पोरा है ना किसी पॉइंट T3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहां पे रिश्ता ये आता है कि T1, T2 का प्रोडक्ट मतलब जिन पॉइंट्स पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है उनका प्रोडक्ट तो 2 के इक्वल आता है एंड टी थ्री होता है नेगेटिव ऑफ अब इसके प्रूफ के बारे में मैं आपको आइडिया दे देता हूं प्रूफ कैसे किया जाएगा देखो अगर टी थ्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो टी थ्री हो जाएगा जैसे फर्स्ट वाले रिजल्ट से ही टी थ्री बराबर नेगेटिव ऑफ टी वन प्लस टू बाई टी वन आएगा है ना बेटा और वैसे ही टी थ्री को मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ टी टू प्लस टू बाई टी टू यह भी लिखा जा सकता है बेटा

यहां से अगर टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाए पैराबोला पे तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आती है टी बराबर कॉर्ड तो ऑफ तो गिवन मिड पॉइंट अगर एक्स वन को हमारा वाई वन दे रखा है तो कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी t बराबर एस वन एंड एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है पेयर ऑफ है ना पेयर ऑफ टेंजेंट्स कि अगर कोई पॉइंट दिया है x1 वन कॉमा वाई वन एंड एनी गिवन चाहे वो पैराबोला हो है ना ये ये तीनों रिजल्ट्स जो है वो सबके लिए ट्रू है ठीक है सर्कल किसी भी कोने के लिए ट्रू है वो तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन आती है बेटा लोग है ना सर्कल में भी आपने पढ़ा है कि इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू एस एस वन बराबर टी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ठीक है एक टू डिग्री इक्वेशन आएगी दैट इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टेंजेंट्स तो ये तीन रिजल्ट है जो कि हर जगह कॉमन है मैं वापस से इन रिजल्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ और हाइपर बोला मैं इन रिजल्ट के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर भी सेम ये रिजल्ट है. है ना तो बार बार एक ही बात को क्या डिस्कस किया जाए ओके इतनी बातें क्लियर अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं हमारे सामने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की द द द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड द द पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ टेंजेंसी सबटेंड्स राइट एंगल एट है ना ये जो टेंजेंसी हो गया और डायरेक्ट्रिक्स हो गया ये जो पोर्शन है ना वो फोकस के ऊपर वो फोकस के ऊपर राइट एंगल बना रहा होता है ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटा ठीक है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकस ऑफ ए परपेंडिकुलर है ना फ्रॉम अगर किसी भी फोकस से किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ठीक है ये टेंजेंट हो गई टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं से तो वो कहां पे, कहां पे मीट करेगा दिस विल मीट ऑन यू नो टेंजेंट एट दी वर्टेक्स कि ये जो वर्टेक्स है वर्टेक्स के ऊपर जो टेंजेंट है यहां पे मीट कर रहा होता है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स ठीक है

ये हो गया पॉइंट एस एस पी एंड पी एम एस पी एंड पी एम का एंगल बाई सेक्टर होती है एनी टेंजेंट एंड नॉर्मल नॉर्मल जो हो जाएगा वो एंगल का हो जाएगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कि अ रे ऑफ लाइट कमिंग टू द एक्सिस ऑफ दी पैराबोला है ना एक्सिस के पैरल अगर मैं एक रे ऑफ लाइट ले जा रहा हूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू द फोकस फोकस से पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद में तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पैराबोला की ओके okay, बच्चा पार्टी नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलिप्स इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है क्योंकि रिजल्ट्स उनके बहुत ज्यादा सिमिलर है पैराबोला में जितने ज्यादा रिजल्ट्स देखे थे इलिप्स हाइपरबोला में इतने रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे है ना इलिप्स में जो रिजल्ट है वही सेम टू तो सेम हाइपरबोला ने भी कॉपी कर लिया है ठीक तो है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो सबसे पहले देखो दो प्रकार के इलिप्स हम देखने को मिलते हैं एक तो हो गया हॉरिजॉन्टल इलिप्स अनदर इज वर्टिकल इलिप्स ठीक है फरक इतना सा है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स में a विल बी ग्रेटर देन b एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स स्टैंडर्ड एलिप्स वो होते हैं जिनकी एक्सेस या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल एक्सेस हो तो उनको अपन स्टैंडर्ड एलिप्स है ना टेढ़ा नहीं होना चाहिए देखो ऐसा नहीं होना चाहिए एलिप्स है ना तो वो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में नहीं आएगा पे अपन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी सेम नहीं पाते हैं चाहे स्टैंडर्ड हाइपर बोला हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड हाइपर बोला हो दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बेसिक प्रॉपर्टीज सबकी सेम है चाहे वो स्टैंडर्ड इलिप्स हो चाहे नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स हो है ना ये स्टैंडर्ड इलिप्स हो गया नॉन स्टैंडर्ड ऐसा हो जाएगा जैसे टेढ़ा सा इलिप्स हो गया ठीक है दिस इज नॉन स्टैंडर्ड इलिप्स है ना जिसकी एक्सिस जो है टेढ़ी एक्सिस है यहाँ पे ठीक है तो अपन स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में बात कर रहे होंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे होंगे अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहां पे x एक्सिस इसके लिए मेजर एक्सिस होने वाली है x एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहे होंगे दो फोकाई यहां पे मिलती है एक तो फोकाई मिलेगी a कोमा जीरो दूसरा माइनस ए कोमा जीरो ओके x एक्सिस को ये कट करेगा x एक्सिस को अपन इसकी मेजर एक्सिस बोलते हैं एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a x एक्सिस को कट कर रहा है a,0 पे -a,0 पे y एक्सिस को कट करेगा 0,b एंड 0,-b पे द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 2a द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 2b ठीक है इतनी बात है क्लियर और फोकस यहाँ पे मेजर एक्सिस पे प्राप्त होंगे हमें ठीक है ए डिस्टेंस के ऊपर हमको फोकस मिलेंगे एंड ए ई डिस्टेंस के ऊपर अपने को डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाली है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो एक्स बराबर माइनस ए बाई आर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ध्यान रखना कि एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस देखो एक्सेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है है ना फॉरन एलिप्स एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला है ना छोटा वाला कौन है यहाँ पे बी स्क्वायर विल बी ग्रेटर ठीक है तो दिस विल बी एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अपने को दिखाई देगा कि ए e की वैल्यू जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है तो ये भी चीज ध्यान रखना कि फोकस जो है हमें एई डिस्टेंस e पे मिलते हैं सेंटर से और ए e की वैल्यू क्या हो जाएगी सिंपली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतनी डिस्टेंस के ऊपर अपने को फोकस मिल रहे होंगे हाँ जी सिंपल है चलिए आगे बढ़ा जाए अब इसके ऊपर लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लेंथ ऑफ यहां पे देखो दो तरह प्रकार के लेटर सेक्टम रहते हैं ना अच्छा ये तो वर्टिकल आ गया हॉरिजॉन्टल पे चलो हाँ दो प्रकार के लेटर सेक्टम यहां पे मिलने वाले हैं क्योंकि दो फोकस है लेटर सेक्टम इज द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द फोकस तो दो फोकस है तो दो लेटर सेक्टम मिलेंगे अपने को इक्वेशन ऑफ लेटर सेक्टम x बराबर ए एंड e x बराबर माइनस ए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है टू बी स्क्वायर बाई ए है ना टू बी स्क्वायर बाई ए इज देंटस्ट एक्टम एंड में बात करें तो यहाँ पे x coordinate तो a ही हो जाएगा, y एक्स कॉर्डिनेट एर्डिनेट इज एंड कोऑर्डिनेट इज माइनस बी स्क्वायर बाई ए तो देख सकते हैं टू बी स्क्वायर बाई ए ठीक है तो ये रही हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में बातें अब ये जो वर्टिकल इलिप्स है जहां पे अगर b ग्रेटर देन a हो चुका है बी ग्रेटर देन ए हो गया तो दोनों फोकस अपने को मिलने वाले हैं एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस पे सिंपली BE डिस्टेंस के ऊपर अपने को दोनों फोकस मिलेंगे सेंटर से BE डिस्टेंस पे जाओगे तो हमको दोनों फोकस देखने को मिलने वाले है. Okay. ये लेटर हो है। और यहां पे देखें डायरेक्ट्रिस अपॉन E डिस्टेंस के ऊपर मिलेगी डायरेक्ट्रिस एट बी अपॉन ई डिस्टेंस यहां पर लेंथ एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू इन दिस केस अंडर रूट ऑफ वन एक्सेंट्रिसिटी तो यहां पे एलसीएम लोगे तो बीई की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ध्यान रखिएगा बीई मतलब कि सेंटर से बीई डिस्टेंस के ऊपर फोकस मिल रहे हैं मतलब फोकस मिलेंगे अपने को अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिस्टेंस पे सेंटर से ठीक है लेटेस्ट रेक्टम यहां पे इस बार हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई ठीक है यहां पे देखो डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स भी हॉरिजॉन्टल लाइन है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज वाई इज इक्वल टू बी बाई ई एंड वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ओके

ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी ए स्क्वायर बाई बी और यहां पे भी देखो वाई कोऑर्डिनेट बी ई ही रहने वाला है एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे माइनस ए स्क्वायर बाई बी हो गया तो देख पा रहे हैं लेटेस्ट एक्टम हो जाएगा टू ए स्क्वायर बाई बी उसके अंदर टू बी स्क्वायर बाई ए आता है हॉरिजॉन्टल में यहां पर टू ए स्क्वायर बाई बी आ जाता है ठीक है बस इतनी सी बात है

है ना फोकस लाई कर रहे होंगे अगर ए ग्रेटर बी है तो फोकस डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सेंटर से और अगर बी ग्रेटर हो गया तो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर फोकस लाई कर रहा होगा बीई डिस्टेंस e के ऊपर तो वही सारी सेम चीजें हैं बस फर्क इतना सा है कि सेंटर इसका जीरो कॉमा जीरो ना होके एच कॉमा के H, K हो चुका है ठीक है इतनी थी बात है अब इसके ऊपर देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर कोई पॉइंट एज्यूम करना होता है तो अपन इस तरीके से एज्यूम कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेट अपन ले लेंगे ए सेक थीटा है ना ए थीटा ठीक है ए थीटा वाई कोऑर्डिनेट अपन लेंगे बी साइन थीटा ठीक है जिससे कि देख सकते हैं ए स्क्वायर है ना cos, देखो ट कोऑर्डिनेट so, ये रखता हूं इन पैरामेट्रिक फॉर्मेट एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखनी है ऑक्सिलरी सर्कल ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल होता है जो कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास कर रहा है जैसे अगर ए ग्रेटर देन बी है बेटा ए ग्रेटर एक्सेस हो गया कॉमा जीरो सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्लरी सर्कल इसके में हो जाएगी देखो सेंटर जीरो है रेडियस ए यूनिट है तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ठीक है इतनी बात है भी क्लियर ओके okay. Now, फिर से वही बात है कि एस वन ग्रेटर देन जीरो पॉइंट बाहर है एस वन इक्वल टू जीरो हो गया तो पॉइंट इज ऑन द इलिप्स एंड इफ एस वन इज नेगेटिव देन पॉइंट इज इन साइड द इलिप्स ठीक है इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं सर बहुत ईजी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर आ जाते हैं ओके okay? चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो चाहे वर्टिकल एलिप्स हो दोनों के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन स्लोप फॉर्मेट अगर स्लोप m दे रखी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है कैसे निकाली कि अपन ने क्या किया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये हमने टेंजेंट की इक्वेशन एज्यूम करी है m इज ऑलरेडी गिवन क्वेशन ऑफ दी बड़ा हो, या B से हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाने के लिए यहां से वाई की वैल्यू उठाई कर दी तो पूरी इक्वेशन एक्स के टर्म्स में क्वाडर बन जाएगी उस क्वाड्रेटिक के जब डिस्क्रिमिनेट को है ना इन दोनों को सोल्व करके जो क्वाड्रेटिक बना रहे हैं अपन एक्स के टर्म्स में उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो करोगे क्योंकि देखो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसी सी की वैल्यू को यहां पे पुट करके हम ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर

तो ये बन जाएगा। Y2 को को से रिप्लेस किया और Y1 की जगह पे क्या रख दिया थीटा। तो तो ही चीज़ अपने को बनती दिखाई देगी, है ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल कैसे निकाले मैं इसका तरीका बता देता हूं कि देखो डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ओके तो चलिए देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस अब इसका तरीका देखो क्या रहने वाला है कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये टेंजेंट की इक्वेशन आती है डायरेक्टर सर्कल उस पॉइंट का लोकस होता है जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉप कर पाते हैं लिप्स के ऊपर या किसी भी कर्व के ऊपर ठीक है तो मतलब यहां पे उस पॉइंट को हमने एच कॉमा के मान लिया कि सपोज एच कॉमा के से मैं टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहा हूं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो एच कॉमा के यहाँ पे सेटिसफाई करा दो क्योंकि टेंजेंट उसी पॉइंट से निकल रही है तो वाई की जगह पे के रखा एक्स की जगह पे हमने एच रख दिया अब ये देखो के माइनस एम एच को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ राइट हैंड साइड में बस ये अंडर रूट वाले पार्ट को रहने दो ठीक है ठीक है सर रहने दिया अब दोनों साइड कर लो स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी एक एम के टर्म्स में ना क्वाड्रेटिक इन एम और उस इन एम में दो रूट्स होने वाले हैं एम वन एंड एम टू उसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है एम वन एम टू

और ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप करोगे के ऊपर तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहने वाली है है ना चाहे ए बी से बड़ा हो चाहे ए बी से छोटा हो कुछ भी हो ओके okay. अब चलिए बात करते हैं नॉर्मल टू एन इलिप्स है ना तो एक पॉइंट ले लिया अपन ने एक्स वन कॉमा वाई वन ठीक है यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉप करना चाहता हूं तो इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन ये आती है ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस इक्वेशन को ध्यान में रखिएगा ये कैसे आई है कि देखो पॉइंट तो हमें पता ही एक्स वन को वाई वन इसके ऊपर बस नॉर्मल की स्लोप और चाहिए ना इस लाइन की स्लोप और चाहिए होगी तो नॉर्मल की स्लोप निकालने से पहले अपन टेंजेंट की स्लोप निकाल लेंगे ना टेंजेंट की स्लोप निकाल लूंगा तो चाहे आप इलिप्स को डिफ्रेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप निकालो कि यहां से डीवाई बाई डीएक्स निकाल लिया डिफरेंशिएट किया डीवाई बाई डीएक्स आ गया डीवाई बाई डीएक्स आ गया मतलब टेंजेंट की स्लोप आ गई टेंजेंट की स्लोप आ गई तो नॉर्मल की स्लोप पता चल जाएगी स्लोप पता है पॉइंट पता है ये इक्वेशन अपन लोग इजिली डिराइव कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को याद रखिएगा ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है इतनी बातें क्लियर है इसी को ही ट्रिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है कि एक्स वन को ए कॉस्टीटाई वन को बी साइन थीटा रखा तो पैरा फॉर्म में चेंज हो जाएगा देखिए जरा यहां पे x1 की जगह पे थीटा रख दो ठीक है y1 की जगह पे b साइन थीटा रख दो तो पैरा फॉर्म अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं बस पैरामीटर रख दो यहां पे x1 y1 की वैल्यू रख दो इन द पैराट्रिक फॉर्म एंड यू विल गेट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं पहला रिजल्ट आता है कि अगर कोई भी टेंजेंट है एलिप्स के ऊपर दोनों फोकस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो P1 P2 है ना प्रोडक्ट ऑफ नाथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P1 P2 किसके इक्वल होता है B स्क्वायर के इक्वल होता है B जहां पे हो गई सेमी माइनर एक्सिस तो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ लेपेंडिकुलर दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ठीक है सेकंड प्रॉपर्टी फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इधर फोकस ऑन एनी टेंजेंट टू एन एलिप्स लाइज ऑन इट्स ऑक्सिलरी सर्कल ये जो परपेंडिकुलर के फीट है ना है ना जो इनके चरण है परपेंडिकुलर के ये किस पे लाइ कर रहे इसके ऑक्सिलरी सर्कल पे ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है वो सर्कल जो कि मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास कर रहा है दैट सर्कल इज ऑक्सिलरी सर्कल वहां पे ये मिल रहे होंगे ओके okay. फिर वही सेम रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है कि एनी इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग कॉन्केव साइड ऑफ फिलिप्स गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स फोकस एस डैश है ना एक वाले फोकस है रिफ्लेक्ट होकर दूसरे वाले फोकस की तरफ जाती है तो दिस इज द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है ना एक और प्रॉपर्टी द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंगल एट फोकस ये वाला जो पोर्शन है सेम देखो पैराबोला वाली प्रॉपर्टी है कि दिस पोर्शन विल सबेंड अ राइट एंगल एट दस्पॉन्डिंग फोकस है ना कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट ट्रिक्स ठीक है इसके बीच का ये पोर्शन जो है वो राइट एंगल बना रहा होगा कहां पे फोकस के ऊपर ओके बेटा चलिए अब हाइपरबोला पे बात करते हैं हाइपरबोला और इलेक्स की इक्वेशन में बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पे देखो बीच में माइनस आ गया यहीं पे मैं प्लस लगा दूंगा तो इलिप्स की इक्वेशन दिखाई देगी माइनस आ गया तो क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन होने वाली है अब हाइपरबोला हमारे सामने दो प्रकार के होंगे एक तो हॉरिजोंटल हो गया एक वर्टिकल हो गया यहाँ पे पहचाने कैसे कौन सा वाला हॉरिजोंटल कौन सा वाला वर्टिकल अगर एक्सक्वायर के साथ में एक्सक्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है है ना जैसे ऐसा है एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी बराबर वन तो यह होगा वहीं पे अगर ऐसा है कि माइनस एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो ये वर्टिकल हाइपरबोला होने वाला है तो दोनों हाइपरबोला को अपन अच्छे से पढ़ते हैं है ना इनके रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो दिस इज हाउ हाइपरबोला लुक्स लाइक है ना कि दिस इज दाइपरबोला एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर इनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला कहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा देखो y को जीरो रखेंगे तो एक्स एक्सिस को प्लस माइनस ए पे कट कर रहा होगा तो ये जो वर्टेक्स के पॉइंट हो गए दैट इज ए कॉमा जीरो एंड माइनस ए कॉमा जीरो दिस इज द पॉइंट है ना ऑफ वर्ड एक्स यहाँ पे मेजर माइनर एक्सिस टर्म नहीं यूज करी जाती यहां पे ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस वाली टर्म यूज करी जाती है

एक्सेंट्रिसिटी के बारे में बात करें तो एक्सेंट्रिसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यह एक्सेंट्रिसिटी होने वाली है क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन वन होती है फॉर ए हाइपरबोला दिस इज दी एक्सेंट्रिसिटी एलसीएम लोगे हैं यहां पे तो ए की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल ठीक है फोकस हमें डिस्टेंस के ऊपर मिल रहे हैं होंगे सेंटर से सेंटर इसका है जीरो जीरो सेंटर से डिस्टेंस के ऊपर जाओगे तो अपने को दोनों फोकस प्राप्त होंगे तो ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमी जीरो की वैल्यू किसके इक्वल है किसकेर तो इतनी डिस्टेंस के ऊपर अपने को दोनों फोकस मिलने वाले हैं डायरेक्ट्रिक्स ए डिस्टेंस के ऊपर लाई करती है ना ए बाई डिस्टेंस के ऊपर दोनों डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स बराबर ए बाई एंड एक्स बराबर माइनस

और फोकस यहां पे बीई डिस्टेंस के ऊपर मिल रहे होंगे ठीक है सेंटर से बीई डिस्टेंस के ऊपर फोकस मिलेंगे ये जो कर्व है हाइपरबोला है वाई एक्सिस को जीरो कामा बी एंड जीरो माइनस बी पे कट करेगा वो देख भी सकते हैं कि एक्स को जीरो रखे तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस बी आ रही है तो वहां पर कट कर रहा है एक्सेंट्रिसिटी यहां पर हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इस बार ये एक्सेंट्रिसिटी होगी यहां पे छोटे बड़े वाला सीन नहीं हो रहा होता है जैसे इलिप्स के अंदर अपन देख रहे होते हैं वहां पर ये वाला सीन नहीं है ठीक है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्र बाई बी स्क्वायर ए बी से बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है कैसा भी हो सकता है ठीक है, इधर से बी की value देखोगे, तो बीई की वैल्यू आ रही है में आपने देखा होगा कि ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वर्टिकल हाइपरबोला में बीई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है तो यहां पे भी जो फोकस है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिस्टेंस के ऊपर हमें मिलेंगे सेंटर से ओके okay. फिर डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स बी बाई डिस्टेंस के ऊपर मिलने वाली है है ना सेंटर से बी अपॉन ई डिस्टेंस के ऊपर अपने को डायरेक्ट्रिक्स मिलने वाली है इतनी बातें भी क्लियर है लेंथ ऑफ लेटर एक्टम इस बार लेंथ ऑफ लेटर एक्टम हो जाएगा टू ए स्क्वायर बाई बी है ना हॉरिजॉन्टल में टू बी स्क्वायर बाई ए यहां पर टू ए स्क्वायर बाई बीट विल बी देंथ ऑफ लेटर एक्टम ठीक है इतनी बातें क्लियर सिंपल है ओके नाउ अब ये वाला हाइपरबोला में देखा जाए तो बस ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला हो जाएगा जिसका सेंटर बस एच कॉमा के पे है बाकी सेम वही प्रॉपर्टी है ना यहां पे भी हो रही होगी कि ए, ए डिस्टेंस पे है ना सेंटर से एई डिस्टेंस के ऊपर हमको फोकस मिल रहा होगा यहाँ पे ये यह वाला देखो वर्टिकल हाइपरबोला हो गया यहाँ पे सेंटर से बीई डिस्टेंस के ऊपर फोकस मिल रहा होगा है ना दीज आर स्टैंडर्ड हाइपरबोलास एक्सेंट्रिसिटी वैसे ही अपन निकाल रहे हैं सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है बस इतना सा फर्क है कि सेंटर जीरो की बजाय ये हो चुका है अब देखो कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में समझते हैं कि ये दोनों हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन एंड माइनस एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन दीज आर कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस वाले हाइपरबोला के बारे में बात करें तो इसका जो मेजर है ना ट्रांसफर्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस मिलने वाली है अपने को X पे और और -E के 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 ऊपर 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 हमको focus मिलते ना -E मिलेंगे। और -E value ना मिलेंगे की क्या आएगी है इतनी distance के अपने को focus मिलने वाले हैं दिस समथिंग लाइक दिस और अगर इस वाले हाइपरबोला में बात करें तो ये वर्टिकल हाइपरबोला रहेगा बेटा यहाँ पे बीई डिस्टेंस के ऊपर फोकस मिलेंगे अपने को है ना फोकस विल बी एट बीई डिस्टेंस और बीई की वैल्यू भी किसके इक्वल है यहाँ पे बीई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल बीई की वैल्यू हो जाएगी ठीक है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती है जैसे इफ उसकी एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वन प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ठीक है इतना फर्क है पुट करोगे यहां पे तो एक रिजल्ट आएगा कि वन बाईन स्क्वायर प्लस वन बाई टू स्क्वायर बराबर वन ये रिलेशन होता है एक्सेंट्रिसिटीज के बीच में

फॉर्म अ स्क्वायर है ना एक स्क्वायर बना रहे होंगे ठीक है साइड सेम है हर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बहुत इजीली प्रूव हो रहा है कि ये एक, एक स्क्वायर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या हाइपरबोला के बारे में बात करें तो वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसके अंदर ए बराबर बी हो जाए ठीक है इफ ए इज इक्वल टू बी तो हाइपरबोला की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सेंट्रिसिटी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की रूट टू के इक्वल होती है ठीक है, क्योंकि या तो बी स्क्वायर होगी यान प्लस ए स्क्र होगी डिपेंडिंगला है अब क्योंकि बी और ए दोनों की वैल्यू सेम है तो देख सकते हैं एक्सेंट्रिसिटी रूट टू के इक्वल यहां पर मिल रही है हमें ठीक है तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन इक्विलिटल हाइपरबोला इज ऑलवेज रूट टू अगर एक जनरल टू डिग्री इक्वेशन दे रखी है जैसे कि ये इक्वेशन दे रखी है इट विल रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस बी बराबर जीरो मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एक दूसरे के नेगेटिव है डेल्टा नॉन जीरो है देन इट विल रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से ये देख मिल रहा होता है बेसिकली ये वाला जो हाइपरबोला है ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इसी हाइपरबोला को अगर शिफ्ट कर दिया जाए 45 डिग्री से है ना तो अपने पास में ये वाला हाइपरबोला मिलता है

फिर अगर हमें कोई पॉइंट एज्यूम करना है हाइपरबोला पे तो एक्स कोऑर्डिनेट को एज्यूम करेंगे ऑक्सिलरी सर्कल वो सर्कल होगा जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल है ना मतलब ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो से पास करते हुए सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दिस विल बी दी ऑक्सिलरी सर्कल फॉर दिस हाइपरबोला अगर वर्टिकल हाइपरबोला होता तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बहुत बढ़िया है ना फिर देखो हाइपरबोला में थोड़ी सी चीजें उल्टी हो जाती है उल्टी क्या हो गया कि अब अगर यहां पे s1 ग्रेटर देन जीरो है पॉइंट रखा मैंने हाइपरबोला में और पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो पॉइंट बाहर नहीं है हाइपरबोला के पॉइंट अंदर ही है हाइपरबोला के है ना पॉइंट लाइज इनसाइड साइडर हाइपरबोला अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पॉइंट अंदर है बाकी कर्व में उल्टा हो रहा होता है है ना सर्कल के अंदर इलिप्स के अंदर पैराबोला के अंदर अगर एस वन ग्रेटर देन जीरो आता है तो पॉइंट बाहर होता है हाइपरबोला में ठीक इसका उल्टा होने वाला है यहां पे है ना पॉइंट अगर एस वन बराबर जीरो आ गया तो ये तो सिंपल सी बात है कि पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर ही लाई कर रहा है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो बाहर है पॉजिटिव है तो अंदर है नेगेटिव आ रही है तो आउटसाइड दी हाइपरबोला होने वाला है वो पॉइंट ओके okay. अब अपन बात करते हैं टेंजेंट की सबसे अच्छी बात यहां पे है खुशखबरी यह है बेटा कि अगर आपने इलिप्स के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन ध्यान रख कर, 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 है ना याद कर रखी है तो हाइपरबोला के ऊपर कोई बड़ी बात नहीं है है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल सब सेम टू सेम हाइपरबोला पे कॉपी पेस्ट हो जाता है रिजल्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना इलिप्स के लिए अगर मैं बताऊं ठीक है तो इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन होती है है ना पहले तो इलिप्स की इक्वेशन लिख देता हूं मैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन फॉर दिस इलिप्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना टेंजेंट की इक्वेशन होने वाली है y इज इक्वल टू एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हाइपरबोला में बात करें दो तरह के अपन ने हाइपरबोला पढ़े हैं है ना दो तरह की इक्वेशन मिलती है एक तो ये इक्वेशन हो गई होगी वन एक तो ये इक्वेशन मिल रही है दूसरी इक्वेशन अपने को हाइपरबोला की मिल रही है ठीक है कि माइनस एक्सक्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर वन है ना इन दोनों के लिए देखो अलग अलग अपने को रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको सिर्फ फिलिप्स वाला रिजल्ट ध्यान रखना है बाकी ये दोनों रिजल्ट अपने आप यहां पे निकाल लोगे कि देखो इधर से इधर तक में कितना फर्क आ रहा है बस बी स्क् माइनस बी स्क्वायर हो गया इतना ही तो फर्क है तो वही इसी रिजल्ट में भी इतना ही फर्क करना है कि बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ओके क्लियर इतनी बात है फिर वैसे ही इस वाले हाइपरबोला के लिए देखो ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर इतना ही तो है तो यहां पे भी देखो ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है फिर अगर इक्वेशन ऑफ बात करते हैं अपन डायरेक्टर सर्कल है ना डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन के बारे में बात करी जाए तो एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होता है बेटा कितना है ना एलिप्स के डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब अगर मेरे को इसके ऊपर डायरेक्टर सर्कल की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दूंगा तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहां पर भी गौर फरमाइएगा कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तभी जाके इसका डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट करेगा अगर ए स्क्वायर छोटा हो गया बी स्क्वायर से तो उसके डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है इधर डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल अब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन के बारे में बात करूं बेटा ठीक है तो नॉर्मल की इक्वेशन है ना एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट पे ऑन द इलिप्स इज एक्स है ना ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द सिलिप्स है ना ये नॉर्मल की इक्वेशन आएगी ये सिलिप्स के ऊपर ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो अपने को सिंपल काम क्या करना है बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर यहां पर इक्वेशन में रख दो तो ये बनेगा देखो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन दिस हाइपरबोला इस हाइपरबोला के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन रखनी है तो ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो अब ए स्क्वायर की जगह देखो माइनस ए स्क्वायर रखता हूं तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी नेगेटिव कॉमन लेती दोनों साइड ठीक है तो इन दोनों के लिए जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो सेम यहां पे ये नॉर्मल की इक्वेशन अपने को देखने को मिलेगी ठीक है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अब नॉर्मल की इक्वेशन अगर मेरे को पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी है या टेंजेंट की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालनी है तो सिंपल सा काम यह करना है कि एक्स वन, वन की वैल्यू रख दो एक्स वन विले यहाँ पे बस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, है यहाँ पे बीस सेकटा ए टेंटा रखेंगे यहां पर अगर कोई पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करना है तो वाई कोर्डिनेट में एज्यूम करूंगा बीस सेकटा है ना एक्स कोडिनेट एज्यूम करूंगा ए टेंट हिटा

नॉर्मल को फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है पता है आपको अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आ जाते हैं फाइनली तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर बोला कि एक फोकस की तरफ है ना यहाँ पे मैं गोली मारता हूँ इस फोकस की तरफ तो रिफ्लेक्शन के बाद में दूसरे फोकस से गुजरती है, है ना गोली इसको मारी लगी इसको ठीक है क्लियर रहती बात है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है सिंपल सी पोर्शन ऑफ ए टेंजेंट ये सेम वही प्रॉपर्टी हो गई जो हमने इलिप्स में भी देखी थी कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्टरिक्स सब्टेंड राइट एंगल एट दी करस्पॉन्डिंग फोकस ओके इंटरसेप्ट ऑफ एन है ना वही सेम प्रॉपर्टी है यहां पे भी तो बस इसी के साथ इसी के साथ आज हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा पूरा कॉनिक सेक्शन सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने कॉनिक सेक्शन के एक बार गौर फरमा लिए हैं सारे रिजल्ट्स देख लिए हैं इंपॉर्टेंट अब बस आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करिए नाउ यू आर रेडी टू डू एंड सॉल्व द द्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन ये सारे रिजल्ट याद है तो जेई के क्वेश्चन तो आप आराम से निकाल दोगे ठीक है तो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट में है ना टाइम में मैंने कोशिश करी है कि पूरे चैप्टर को निपटाऊं तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन है ना एकदम रिफ्रेशमेंट आया आ गया होगा पूरे कोनिक सेक्शन के ऊपर अब बस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कॉन्फिडेंस रखना पेपर में मस्त हो गए पेपर देने जाना एंड तुम लोग मचाओगे तुम लोग फोड़ोगे तो थैंक यू एवरी वन फॉर सेशन सी यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन दिस इज योर मैथ टीचर कुंदन वांकर साइनिंग ऑफ टाटा ग्रेट डे